गाय और फागुन का आनंद लिया। महिलाओं ने कहा कि मोदी ने देश के लिए अच्छे कार्य किए हैं, इसी वजह से वह दोबारा प्रधानमंत्री बनने चाहिए। मोदी जी ने वोट दी जो लोकसभा चुनाव में, दुनिया में ऐसा किया कमाल नजर तुझे लग जाएगी जैसे गीतों के साथ अजमेर की न्यू गीता कॉलोनी की महिलाओं ने फागोत्सव मनाया और फूलों की होली खेली। कार्यक्रम में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं और यही वजह है आज फागोत्सव में उनके भजन गाए जा रहे हैं। महिलाओं ने भागुस्य में मस्ती करी, झूमे और तथा बहुत सारे भजन गाए हैं और मोदी सरकार के लिए उन्होंने कहा है कि वो वापिस आवे ताकि है ना वापिस मतलब इसी तरह लेडीज सुरक्षित रहे ताकि वो ही अपने मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, कहीं भी झूम वगैरह जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, मतलब कोई भी नहीं रोक सकता। आज हम सब लोग यहाँ भागुस्व मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं लेकिन उसका एक कारण ये है कि चुनाव आने वाले हैं, इसके लिए हम मोदी जी के लिए प्रचार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वीर जो हमारे लाल हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है, अब हमारी बारी है कि हमें उनके लिए कुछ करना है और हमें उन्हें जिताना है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही होने चाहिए, अब की बार फिर से मोदी सरकार, मोदी सरकार। आज हमारे देश में कितनी तरक्की की है, हर एक देश भारत के आगे झुका है, भारत का डंका हर पूरे विश्व में बजा है, उसका सारा क्रेडिट मोदी जी को ही जाता है और हम चाहते हैं कि आगे हमारा भारत और विकास करे। इसको हमने सोचा एक बन दो का फागुस्व के साथ मोदी जी का प्रचार। कौन कौन से भजन यहाँ पे मुख्यतः गणेश जी वंदना और नरेंद्र मोदी के लिए हमने दो भजन तैयार किए जिनमें से एक तक गूंज रही है लहर मोदी जी की, पूरे संसार में लोकसभा में वोट दीजिए मोदी जी को ही देना है। और दूसरा हमने गाया था कि भारत माँ के सच्चे लाल पूछना ना करियो कमाल नजर को ही लग जाए। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ टीवी इंडिया पर।